आज ना चपड़िया नहीं मेरा भी नहीं पता। आज सुबह ना बहुत अमेजिंग है। आज सबसे ज्यादा खुश जब से मैं यहाँ पे हूँ तब से मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूँ। और बेसिकली आज मैं सेलिब्रेट करता चाहिए इसलिए चश्मा पहना हुआ। तो आज पूरे दिन में क्या हुआ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं क्या सेलिब्रेट कर रहा था मैं वो तुम्हें बता सकता हूँ, समझे? तो मर्जी है, देखना है देख लो, नहीं देखना तो वैसे कोई नहीं देख रहा। Nobody gives a f about me. Roll the intro, bro. Hey! और आज सुबह जब मैं उठा ना मैं इतना खुश था, इतना खुश मतलब लिटरली जब से मैं यहाँ पे आया तब से सबसे ज्यादा खुश मैं आज ही था। क्योंकि तुम्हें पता है मेरा हाथ कटा हुआ है और मैं सोचता बहुत ज्यादा। तो कई बार ना ऐसा होता है जहाँ पे मैं बेफालतू में सोच रहा हूँ और मुझे लगता है मुझे पता रहता है मैं बेफालतू में सोच रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं सेंस ढूंढने की कोशिश करता हूँ इसलिए मैं सोचता रहता हूँ। पता नहीं क्या सेंस बन रहा है नहीं बन रहा, बट जो चीज मैं सेलिब्रेट करता हूँ वो ये था स्मॉल थिंग्स जिनके बारे में हम कदर नहीं करते या कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बट हम खुश हैं क्योंकि वो हमारे पास हैं। क्योंकि जब तक वो हमारे पास है तब तक हमारे पास हमको उनकी वैल्यू नहीं होती, और जब वो चली जाते ना तब हमें एहसास होता है उस चीज़ का। तो मैं वो बंदा हूँ जो कभी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हाउ मच आई केयर अबाउट देम और हाउ मच आई लाइक देम और लव देम। तो क्या कर सकते हैं अकेले पार्टी। तो हम उठे और हमने बात करी और हम खुश थे, और फिर मैंने किसी और से बात करी हम खुश थे, और आज मेरे को ये वीडियो डालनी भी नहीं थी। आज मेरा प्लान पूरा प्रॉपरली प्लान था कि मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा, और ये सेम चीज़ मैं बताऊँगा कि ऑलवेज थिंक अबाउट द स्मॉल थिंग्स जो लोग तुम्हारे लिए करते हैं जिसके बारे में तुम अभी कदर नहीं कर रहे, क्योंकि वो जाने के बाद उसकी वैल्यू एहसास होती है और जब तक वो रहता है हम उसे अप्रिशिएट नहीं करते। अभी मेरा सीन ऐसा है कि मैं बोल नहीं सकता, मैं कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपने आप को मैं कैसा फील कर रहा हूँ उस बंदे के सामने जिसके लिए मैं फील कर रहा हूँ और जिस वे से मैं करता हूँ, उसके बाद तो एक्सप्रेस करने का कोई मीनिंग ही नहीं। बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सुबह से सब अमेजिंग था, बेस्ट लोगों से मैंने बात करी, मैं बहुत खुश था। तो मैं सोचा चलो डिस्कॉर्ड में चलते हैं बात करेंगे लोगों से। फिर उसमें एक बंदा आया, उसने मुझे बोला कि मैं बच्चा हूँ। मैं बच्चा मतलब बच्चा एज एन कॉम्प्लीमेंट नहीं बोला, क्योंकि लोग बोलते भी नहीं मुझे वैसे, लोग हमेशा बूढ़ा बोलते हैं, जोकर बोलते हैं मुझे, मतलब क्लाउन बोलते हैं मुझे। और फिर मैं सोचने लग गया इस बच्चे वर्ड से हम कितना पैसा बना सकते हैं। बट फिर मैं सोचा एक मिनट, मैं एक्चुअली बचपना कर रहा हूँ। ये पहला बंदा है जिसने मुझे बच्चा बोला है। तुम लोगों ने बालों से मजे ले लिए हैं, कंगना दीदी से मजे ले लिए, दीदी है वो ठीक है, भाभी बनाए फालतू में, उसके माँ बाप भी तैयार नहीं, वो भी तैयार नहीं, और मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं। कंगना बेबी चुप। बेसिकली जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब उसने मुझे बच्चा बोला ना, वो इंसल्ट के में बोला उसने कि मैं इमेच्योर हूँ। अच्छा तुम में से कौन मेच्योर है? क्या ही उखाड़ लिया तुमने मेच्योर बन के, है मेहनत करो लॉन्डो, वही क्या ही उखाड़ लिया किसी के डिस्कॉर्ड पे मॉडरेटर बन के, क्या ही उखाड़ लिया तुमने? तुम तो यंग हो, तुम्हारे पास तो मौका है उखाड़ने का चीज़ है। मैं तो उखाड़ के बैठा हुआ हूँ, और मैं ये नहीं बोला मैंने कुछ अचीव किया, नहीं मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। तूने क्या किया? ये मेरा पहला थॉट था, क्योंकि उस टाइम मैं उसे इंसल्ट के वे में लिया था। फिर मैंने सोचा, फिर थोड़ा और सोचा, फिर थोड़ा और, फिर जरूरत से ज़्यादा सोचा मैंने। फिर मैंने देखा ठीक है सही तो बहुत बोल रहा है, गलत क्या उसमें? हाँ बच्चे हैं, बच्चे होने में क्या बुरी बात है। जब मैंने बहुत ज़्यादा सोचा ना इस बारे में तब मुझे सुना कि ये बच्चा इंसल्ट होना कब से हो गया यार, हैं तू बच्चा है ये इंसल्ट कैसे हो सकता है? एक मिनट, जो मैच्योर है उसने भी क्या ही उखाड़ा है अपनी लाइफ के साथ, किसी को नोबेल पुरस्कार तो नहीं मिला ना, और अगर तुम्हें नहीं मिला है तो फिर अपना ज्ञान चोदना बंद कर दो, ठीक है मैं तुम्हें लाइफ के साथ हेल्प कर सकता हूँ, नोबेल पुरस्कार के साथ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें लाइफ जीने में हेल्प कर सकता हूँ, नोबल पुरस्कार के साथ नहीं कर सकता। और अगर तुम पैसे की बात कर रहे हो, तुमने अंबानी को तो बीट नहीं किया है, और जब तक नहीं कर सकते
तो ऐसी कौन सी रेस है जिसमें तुम भागे जा रहे हो? मुझे नहीं मालूम क्या सेंस बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं लिटरली हाई हूँ। ये पहली वीडियो, ये तीसरी वीडियो है 4 साल के अंदर जो मैं हाई होकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और बाकी 2 मैंने सिर्फ एक पॉइंट साबित करने के लिए रिकॉर्ड करी थी। और मैं उस जगह पे भी नहीं जहाँ पे मैं तुम्हें सैड दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। पर पॉइंट इज, मैं चेयर होके भी मैंने क्या उखाड़ लिया? जितना बच्चा होकर उखाड़ लिया मैंने। क्यों झाटे जलती लोगों की मेरे से? क्यों लोग ये फटते मेरे से? क्यों लोगों को डर लगता मुझसे? क्यों लोग मुझसे बात करना चाहते हैं बट जब मैं बात करता हूं तो लोग मुझसे बात नहीं करते? पता क्यों?